Hey, what's up guys? स्वागत है आप सभी का एक न्यू टॉपिक पर। सबसे पहले आता जाती है एक से एक बढ़ के जुटी आपके सामने रहता हूँ, लेकिन अब मैं आपके सामने लाया हूँ स्लाइडो का एक ऐसा पैटर्न जो आपने कभी नहीं देखा होगा। वैसे ऑलरेडी स्लाइडो के मैंने काफ़ी जूते आपको वीडियो अपलोड करके रखी हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी सभी जूतों की, क्योंकि आपने स्लाइडो के जो भी जूते नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, काफ़ी बेटर बेटर जूते हैं और ये जूता आपके लिए काफ़ी बेटर होने वाला है। बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक, पूरी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जूते के बॉक्स को लेकर, और बॉक्स इसका एकदम मजबूत और अच्छा देखने को मिलता है। येलो कलर का देखने को मिलता है आपको, ग्रे कलर मिक्स में, और स्लाइडो के काफ़ी लोगो देखने को मिलते हैं। अंदर की ओर आपको पेपर देखने को मिलता है जो स्लाइडो बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं, तो उसको करते थे बॉक्स करते हैं साइड में। बात करते हैं हम जूते के डिज़ाइनिंग को लेकर, डिज़ाइन और कलर को लेकर बात करते हैं, तो डिज़ाइन एंड कलर सबसे पहले बात ये आती है, जब जूते बहुत पसंद आ जाते हैं तभी हम परचेस करते हैं, तो इसमें डिज़ाइनिंग बहुत तगड़ी देखने को मिलती है। सबसे पहले बात तो ये है कि इसमें एकदम आपको लाइटिंग प्लस देखने को मिलता है साइड में, जो काफ़ी अच्छा है। और ये जूता है सॉक्स पैटर्न का, काफ़ी तगड़े जूते हैं, आपको काफ़ी हेल्पफुल। कलर इसकी बात की जाए तो इसमें ग्रे कलर देखने को मिलेगा आपको, फुल ग्रे देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं आपको मिलता है ग्रीन कलर जैसे कि लोगों को देख सकते हैं वहाँ से। और उसके बाद बात करते हैं मटेरियल को लेकर, जूते का मटेरियल काफ़ी तगड़ी क्वालिटी का देखने को मिलता है आपको, एकदम सॉक्स पैटर्न पतला वाला देखने को मिलता है, ताकि आपको पैर में बहुत ही अच्छा कंफर्ट बना के रखें, एकदम सॉफ्ट है और आपके पैर में कोई भी आपको इतना दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। एकदम अच्छी सब सॉफ्टनेस मटेरियल देखने को मिलता है, एकदम दाने दाने मिलता है आपको एकदम, और साइड में आपको इस तरह कुछ रैगजीन के हिसाब से देखने को मिलता है। बात करते हैं लेसेस को लेकर, तो जूते के लेसेस सॉक्स पैटर्न है, तो इसके ऊपर ओनली फॉर फैशन देके रखी हैं, बाकी आपको एकदम वो भी एकदम पतली वाली लेसेस है जो आपको खोलने बांधने वाली, इसमें भी कोई सिस्टम मतलब नहीं रहता है, आपको फिक्स है जूता पहना रेडी, और ऐसा जूता है ये जूता बहुत ही अच्छा लगता है। और इस प्रकार के जूते अभी मार्केट बहुत तगड़े चल रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं लोगों को लेकर, तो लोगों इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको स्लाइड होगा एक ही लोगों देखने को मिलता है साइड में, उसके बाद आपको ग्रीन पट्टी देखने को मिलता है जो काफ़ी अच्छा लगता है, और एक अंदर की ओर सॉल में देखने को मिलता है आपको स्लाइडो गोल्ड। उसके इनसॉल की बात करते हैं, इनसॉल आपको बहुत ही अच्छी मेमोरी में देखने को मिलती है, एकदम सॉफ्ट आपको देखने को मिलेगी। एक बार मैं आपको एकदम दबा के दिखा देता हूँ, बहुत ही तगड़ी है, इस पर लिखा भी है मेमोरी फॉर्म टेक्नोलॉजी, और स्लाइडो गोल्ड ऊपर भी लिखा है, और साइज़ भी देखे रखे हैं, तो आपको वहाँ से चेकआउट कर लेना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बात करते हैं साइज़ को, तो साइज़ इसके अंदर की ओर देखे रखी जाती है, आपको परचेस करते हैं नोट कर लेना चाहिए। उसके बाद बात आती है सोल के डिज़ाइन को लेकर, तो सोल का डिज़ाइन आपको एकदम प्लेन नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े बॉक्स हैं लाइनिंग पैटर्न के हिसाब से फॉलो करके देखे रखे मिलती हैं, उस प्रकार का कुछ है। नीचे की ओर आपको एकदम छोटी छोटी लाइनिंग पैटर्न, छोटे छोटे डॉट के हिसाब से पैटर्न के मतलब फॉलो करके रखे हैं, जो काफ़ी बेटर अच्छी शानदार सी लगती हैं। एक बार मैं आपको सॉल स्पंज करके दिखाऊं तो बहुत ही सॉफ्ट है, आपको पैर में बहुत ही अच्छा कंफर्ट बना के रखता है। एक बात तय है कि ये रनिंग के लिए जूते आपको परफेक्ट हैं, बात आगे भी करेंगे, टेंशन मत लीजिए, आप बेफिक्र रहिए, जूते डिजाइनिंग के दौरान बहुत तगड़े हैं। बात करते हैं फ्लेक्सिंग को लेकर, तो जूते एकदम अच्छे एंड सॉफ्ट देखने को मिलते हैं, ताकि आप किसी भी एंगल से उठा कर देखेंगे जूते को, तो जूता आपको एकदम सॉफ्ट देखने को मिलता है, क्योंकि ये बात है इसलिए क्योंकि ये जूता इतना ही आपको मतलब मुलायम देखने को मिलता है, ताकि क्या है पैर में आप किसी भी एंगल से मोड़ के रखें तो कोई भी आपको मतलब ऐसा ना लगे भाई अब जूता ऐसा हो गया ऐसा हो गया, यूँ नहीं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट में आपको हाइट एंड वेट को लेकर, जूते की हाइट सॉल की हाइट है 2 से 2.5 इंच के बीच में, तो ये आपको परफेक्ट हाइट में बता रहा हूँ आपको। और वेट को लेकर बात करें, जूते का वेट करीबन 70 ग्राम से ऊपर नहीं होगा, नॉर्मल सा वेट है, आपको ये परफेक्ट रनिंग के लिए यूज़ कर पाएंगे, और रेगुलर के हिसाब से ये जूते आप परचेस करना चाहते हैं तो सबसे बेटर जूते हैं, और जब ये जूते आप पहन के रखेंगे तो बहुत तगड़े लगेंगे। बात करते हैं ये जूते आपको कितने पड़ने वाला है, इसका MRP तो वैसे 850 देके रखा है, आपको इतना पे नहीं करना है, आपको सिर्फ एंड सिर्फ 700 रुपये देने हैं, बहुत ही अच्छे हैं। वैसे आप बोलेंगे भाई कम प्राइस के भी आते हैं, तो कम प्राइस के ये आप क्वालिटी देखने को बिल्कुल नहीं मिलती है, ये क्वालिटी सिर्फ स्लाइडों में देखने को मिलती है, जो बेहतर जूते हैं आपको देखने को मिलते हैं 700 रुपये में, आजकल क्या आता है आप समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छी वैरायटी के जूते देखने को मिलते हैं भाई। मैं तो कहता हूँ आपको ये परचेस करने चाहिए, फिर आपकी इच्छा रनिंग एंड जॉकिंग के लिए परचेस करना चाहिए तो ये सबसे बेटर जूते हैं। वैसे आप रेगुलर के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्या है एकदम आप पर मतलब रेगुलर के हिसाब से पहन के रखें तो बहुत ही लाइट वेट जूते हैं, आपको पैर में एकदम बारह बारह सा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, एकदम हल्के हल्के जूते हैं, आपको बहुत अच्छे लगेंगे, एक बार आप परचेस कीजिएगा, बहुत ज़्यादा तगड़े जूते हैं। अब बात करते हैं आपको कहाँ से परचेस करेंगे, ये मिलेगा आपको रोहित बूट हाउस फलोदी सिटी, सेकेंड एड्रेस है कृष्णा फुटवेयर, वहाँ से आप चेकआउट करें, अपने हिसाब से साइज़ के देख कर परचेस कर सकते हैं। बाय द वे अगर आपको कोई भी और भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके लिए मैं हमेशा हाजिर रहता हूँ, ऐसे ऐसे कमेंट आप करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में, आप सभी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।